बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक कंप्यूटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बीएससी कंप्यूटर साइंस का रिसेंटली पेपर हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी का, जो कि मेरे सामने है, 2022 का पेपर। आज इस पेपर का ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा के जो एमसीक्यूज आए थे उनके आंसर क्या थे, ताकि आप अपने आंसर्स के साथ इनको टैली भी कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हैं और कितने गलत हैं। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले ये कि कुछ मसरूफियत थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि 2014 और 19 के पेपर में जो ईयर डायग्राम है उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दें, लेकिन कुछ मसरूफियत इस तरह से थी ऑफिशियल कामों में कि मुझे टाइम नहीं मिला, उसके लिए माजरत। तो जल्दी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। स्टूडेंट्स, आज हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइम 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको पता है कि आते हैं, तो आज हम ये पेपर जो है इसको सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से टेक कंप्यूटर कॉलेज को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यूज है, लिखा हुआ है जी क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आगे क्यूरी लिखी हुई है std_name varchar व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। कि ये जो स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट करेगी ये स्टेटमेंट, ये किस टाइप की स्टेटमेंट है? ये DMS स्टेटमेंट है या DDL है या व्यू है या इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट है कोई। तो स्टूडेंट्स, जो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट है होती है वो DDL स्टेटमेंट होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसको बोलते हैं, DDL स्टैंडर्ड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एमसीक्यूज का वो ऑप्शन बी है, DDL इसका करेक्ट आंसर है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो अपडेट की क्यूरी होती है या अपडेट डिलीट वगैरह की या इंसर्ट की, वो DML लैंग्वेज में आती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आती है, लेकिन जो क्रिएट टेबल है वो DDL में आता है। स्टूडेंट, सेकेंड एमसीक्यूज है द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या है? नीचे चार ऑप्शन दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रिक्वायर्स वन टू अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स। हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर डिपेंडेंसीज को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम रिपीटिंग ग्रुप भी मूव करते हैं, सेकंड में हम पार्शियल डिपेंडेंसी मूव करते हैं, और थर्ड में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, थर्ड एमसीक्यू में पूछा गया है यू कैन यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर इन एनी क्लॉज ऑफ SQL स्टेटमेंट एक्सेप्ट, यानी के कौन सी क्लास है जिसमें आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, तीसरा जो एमसीक्यूज है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो आप इनमें से किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर जो भी है। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ जो एमसीक्यूज है वो है डेटाबेस स्कीमा के बारे में, स्कीमा डिस्क्राइब, कि जो स्कीमा है वो क्या डिस्क्राइब करता है। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर फोर का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ देम, यानी कि जो स्कीमा है डेटाबेस का उसमें रिकॉर्ड भी होता है, रिलेशनशिप्स की भी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा एलिमेंट्स भी होते हैं, रिकॉर्ड और फाइल सब कुछ ही होता है। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका जो करेक्ट आंसर है क्यूरी दी हुई है सिलेक्ट डिपार्टमेंट डॉट एवरेज इनटू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टूडेंट, ये जो है क्यूरी दी गई है इसमें कहा गया कि जो ये क्यूरी क्या करेगी। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये जो इस टाइप की क्यूरी है उसको ग्रुप बाय क्लॉज की जरूरत होती है, रिक्वायर्स ग्रुप बाय क्लॉज। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो एवरेज है वो एक एग्रीगेट फंक्शन है, एवरेज ब्रैकेट में लिखा हुआ है सैलरी, यानी कि जो सैलरी वाला कॉलम है
उसका उस कॉलम की एवरेज निकाल के ये हमें दिखाएगी। तो ये एक एग्रीगेट फंक्शन है जिसके साथ ग्रुप वाइज क्लास वन लाजमी है, क्योंकि अगर हम ये क्यूरी ऐसे ही चलाएंगे ना, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर डॉट एवरेज सैलरी फॉर्मूला, तो हमारे पास एरर शो होगा और उसमें वो यही एरर देगा कि जो एवरेज है वो एक एग्रीगेट फंक्शन है, लिहाजा डिपार्टमेंट नंबर तो जाहिर है एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो एग्रीगेट एक ही निकलता। इसलिए इस तरह की जो स्टेटमेंट है इसको ग्रुप बाय क्लास की जरूरत होती है, लिहाजा ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आए तो लिखा हुआ है, विद एसक्यूएल हाउ डू यू सिलेक्ट अ कॉलम नेम्ड नेम फ्रॉम अ टेबल नेम्ड एम्प्लॉय। यानी कि एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें आपने अगर नाम का कॉलम सेलेक्ट करवाना है तो आप कौन सी क्वेरी यूज करेंगे। तो स्टूडेंट जो 6 नंबर का एमसीक्यू है उसका करेक्ट आंसर है बी, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टूडेंट ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो लिखा हुआ है, इन एन ईआर डायग्राम एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एंटिटीज जो है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होती है, तो 7 का करेक्ट आंसर बी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो लिखा है, यू आर सॉर्टिंग डाटा इन अ टेबल इन योर सिलेक्ट स्टेटमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर, द कॉलम यू आर सॉर्टिंग ऑन कंटेन्स नल रिकॉर्ड, वेयर विल द नल रिकॉर्ड अपियर। यानी कि नल रिकॉर्ड जो है वो कहाँ पर अपियर होंगे। आपके पास एक टेबल है, कॉलम है, उसमें कुछ वैल्यूज हैं और आप उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग उनकी करवाना चाह रहे हैं, और उस कॉलम में जो नल वैल्यूज हैं वो सॉर्टिंग होने के बाद कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी, ये क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। टॉप पे वैल्यूज चली जाती हैं, जो नल वैल्यूज होती हैं जब आप सॉर्टिंग करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं, और ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर जो नल वैल्यूज होंगी वो टॉप पे चली जाती है। तो टॉप का मतलब बिगिनिंग, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें लिखा हुआ है, यू कैन रिमूव अ रो इफ द व्यू कंटेन्स द फॉलोइंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्यू में अगर हम देखें तो हम कोई भी रो, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो, उसमें हम कोई भी रो डिलीट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर डी है, नन ऑफ देम। क्योंकि ये जो है वो ग्रुप फंक्शन होता है, ऑर्डर बाय क्लास, जैसे डिफरेंट फंक्शन का जो है वो, ये भी एक किस्म का एग्रीगेट फंक्शन ही होता है जिसके अंदर से हम कोई भी चीज को रिमूव नहीं कर सकते। डिफरेंट यूनियंस लगाए होते हैं हमने, ज्वाइंस वगैरह लगा के हम व्यू को जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं, सिलेक्ट करवाते हैं, लिहाजा नन ऑफ देम, इसमें हम कोई भी रो डिलीट रिमूव या डिलीट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट जो ऑप्शन है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 10 जो एमसीक्यू है उसमें लिखा हुआ है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश टू क्रिएट कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो इसका क्या होता है स्टूडेंट्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें लिखा हुआ है, डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन, डेटाबेस एनालिसिस या डेटा टेस्टिंग। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन। हम नॉर्मलाइजेशन करते ही इसलिए है कि हमारे पास साफ सुथरा एक टेबल्स का सेट आ जाए जिसमें कोई रिडंडेंट डाटा ना हो, और हम उस डेटाबेस के उस डाटा सेट को इंप्लीमेंट कर सके अपने डेटाबेस के अंदर। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। स्टूडेंट्स ये डेटाबेस के सारे एमसीक्यूज थे, अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट के ऊपर, उसके जो एमसीक्यूज पूछे गए थे उसको भी देख लेते हैं। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से नजर आए कि क्या है। स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसका पहला एमसीक्यूज है, विच टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस बिकॉज सिंगल जॉब इंक्लूड नोट कैप्ट नोट की बोथ द सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कौन सी टेक्निक जो है वो यूज की गई थी स्टूडेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग यूज की गई थी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है जी, TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर। स्टूडेंट्स इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में जो कि TCP/IP मॉडल में नहीं होती, वो है सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। तो जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू,
तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है कर्नल के बारे में है, तो क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यू नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट लोड होता है मेमोरी में जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट हो रहा था, तो ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त नहीं है कर्नल के बारे में, तो ये इसकी इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। फोर्थ की में देखें तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बैक ड्रॉबैक ऑफ रिंग टू बॉल। रिंग टोपोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि अगर हब जो है सेंट्रल हब वो अगर फेल हो जाए तो आपका सारा नेटवर्क बैठ जाता है। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो लिखा हुआ है डैश रेफरेंस टू द अबिलिटी ऑफ मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड टू शेयर कोड रिसोर्स और डाटा सेट्स अवे दैट ओनली ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि जी मल्टीपल प्रोसेस की ये जो अबिलिटी है इसको क्या कहते हैं। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड जो है वो सेमी डुप्लेक्स कोई ट्रांसमिशन मोड नहीं होता, या सिंप्लेक्स मोड होता है, या हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें लिखा हुआ है मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड स्वैपिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। 8 में देखें लिखा है जी मैश टोपोलॉजी हैव डिवाइसेस आर कनेक्टेड वाया। मैश टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं थ्रू पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें लिखा है द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर रिजाइड इन विच ओएसए लेयर, यानी कि जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर है वो किस ओएसए लेयर की सब लेयर है। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डाटा लिंक लेयर की सब लिंक होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसे नेट भी बोल देते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया ओके क्राइटेरिया जो वैल्यूएट ओके। अगर आपने किसी भी स्केल में वैल्यूएट करना तो क्या क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया के बेस पे उसे वैल्यूएट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी का जो करेक्ट आंसर है सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। हम ऊपर वाले ये सारे क्राइटेरिया देखते हैं कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है, थ्रूपुट टाइम कितना है और वेटिंग टाइम कितना है। स्टूडेंट्स ये था सोल्यूशन आपके एमसीक्यूज का जो एक दो दिन पहले पेपर हुआ, जिन्होंने यही आंसर लगाए हैं उनके तो सारे एमसीक्यू ठीक हैं, और जिन्होंने ये नहीं लगाए उनके वो आप खुद देख लें। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरों तक भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।